चंडीगढ़ में आज पंजाब के कुछ राइस शैलर के मालिकों ने काफी गंभीर विषय को उठाया। उनका कहना था कि उन पर एक चावल की किस्म को लेकर सरकार द्वारा काफी प्रताड़ित किया गया है। उन पर झूठे मुकदमे भी चलाए गए हैं जिससे उनके कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं। उन पर बनाए गए दबाव के चलते उन्होंने कुछ पैडी को उठा लिया था जिसे बाद में सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान तो उठाना ही पड़ा, दूसरी ओर सरकार उन्हीं से इसका मुआवजा भी मांग रही है। क्या है सारा मामला, आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट। विजय जिंदल, मेरा राइस मिल है जी धूरी जिला संगरूर के बीच। साढ़े एक चावल मिलों ने साड़िया साढ़े एक वरायटी आई जी 2007-08 के PAU 201 जिदा जो राइस बन रहा सीगा वो FCI ने एक्सैप्ट नहीं किया। असी गौरमेंट नूं लगवाने वेले भी कहा भी ये साडा चावल एक्सैप्ट नहीं किया जाएगा, पर सरकारी दबाव दे विच वो साडे मिलां दे विच स्टोर किया गया। जो दा चावल बनिया वो गौरमेंट ने एक्सैप्ट नहीं किया, जिदे करके साडे राइस मिलों नूं ब्लैकलिस्ट कर दिता गया। पिछले 11-12 साल तो असी उस करके सारे डिफाल्टर किए हुए साडे शहर, साडी कोई सुनवाई नहीं हो रही। साढ़े असी सरकार नूं कई बार मिले हैं, मंत्रियों नूं कई बार मिले हैं, पर साड़ी कोई सुनवाई नहीं की गई। जो उसमें से राइस निकला वो राइस FCI ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें डैमेज डिस्कलर की मात्रा ज़्यादा थी जिस करके वो प्रॉब्लम आई। क्योंकि हमारा जो राइस मिल है वो जैसे एक आटा चक्की होती है, हमारा वो काम होता है जैसा धान हमें मिलेगा जैसा चावल बनेगा वो वही चावल हमने देना होता है। पर उस रेक्टिफाइंग किया आपने, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे प्रॉब्लम इन दैट राइस, तो आपने रेक्टिफाइंग किया? रेक्टिफाइड करने वाली कोई भी मशीन हो मिलिंग पॉलिसी का हिस्सा नहीं है जी। नहीं कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, साडे जबरदस्ती लगाया गया जी, स्टोर किया गया साडे जबरदस्ती। डीसी साहब ने सानू डीसी साहब ने इवन बठिंडे दे विच जड़िया मिलिंग एजेंसियां एजेंसियां खरीद एजेंसियां तो DC साहब की हाजरी के ट्रायल मिलिंग हुई सी जी उस राइस की 201 की, जिदे डिस्कलर डैमेज की मात्रा 10-12%, 8-10%, तो जोड़ा टोटा वे बनता सी ब्रोकन वो भी बियॉन्ड लिमिट सीगा, तो क्वालिटी उन्होंने FCI एक्सैप्टेबल नहीं सी, भी साढ़े मिलों के स्टोर करती क्योंकि एक पास जिमीदारा ने जाम करता सी, रस्ते जाम करते सी। उस प्रॉब्लम तो बचने वास्ते सरकार कहती भी तुम स्टोर करो, इनू मिल कर पाबंद नहीं। जब मिलिंग शुरू हुई उदू बाद चिट्ठिया क्ड के उन्होंने मिलिंग करवाने वास्ते सूँ मजबूर किया गया, वह चावल FCI ने एक्सैप्ट नहीं करे, बनता ही नहीं सी सही जी। एक चीज़ माड़ी दिती जाऊगी सूँ वो असं चंकी किमें कर देंगे, ये 9-10 की गल है। 8-9-10 नहीं नहीं चावल उन्होंने कोई ऑक्शन करके बेच बूचता सब कुछ खत्म खत्म हो गया 3-4 साल बाद। साढ़े देते केस है जी, असी झूठे केस साढ़े दे पाते झूठे केस पा रखे, असी अपना कोर्ट के भी लड़ रहे हैं, कोई वह नतीजा नहीं निकल रहा। असी उन्होंने बेनती करी सी जी, उन्होंने 3-4 महीनों बाद असी आख्या भी तुम आपकी रैस इन्होंने शिफ्ट कर लो कि साढ़े यदा बनना नहीं। एक एक कंसाइनमेंट बाद वास्ते असं 10-10 हज़ार रुपये लॉस पा के फिर उन्होंने आख्या भी चावल नहीं यदा बनता, उन्होंने नहीं चक्या वो ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜਾਂ ਦੇ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਗਵਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਲ ਆਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਤੇ, ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, टेंडर करके माल बेचिया उस वेले रेट सी 1800 रुपये, जो 700-800 रुपये क्विंटल का डिफरेंस होया वह कहते भी थोड़े करके होया भी तुम एह करो, उस चीज के केस पाए हुए प्लस इंटरस्ट अमाउंट अलग अलग है जी, किसी की करोड़ है किसी की 2 करोड़ है। नहीं एसोसीएशन साड़ी कोई नहीं, वैसे इस तरह बैसे इकट्ठे हुए हैं एसोसीएशन कोई नहीं साड़ी, जबकि जिहड़ी वह वरायटी सी वो 2010 के बैन कर दी गई भी ये जिमीदारों को कहा गया भी इनू ना बीजा जाए न्यूज़पेपर दे विच, क्योंकि भी इहदा जो चावल बनेगा वह एक्सैप्ट नहीं होना, वो उस जो बैन कर दी गई वह ही साढ़े तो मतलब
ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ PAU 201 ਜੋ ਵਰਾਇਟੀ ਸੀ ਵੋ ਕਿਸਾਨੋ ਨੇ ਬੀਜੀ ਥੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਜ ਦਿਆ ਥਾ ਇਨਕੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਮੇ ਯੀਲਡ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਏਗੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ। ਉਸਕਾ ਜੋ ਧਾਨ ਥਾ ਜੀਰੀ ਥੀ ਵੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪਨ ਸਬ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਪਨ ਗ੍ਰੇਨ ਵੋ ਉਨਕੋ ਖਰੀਦਤੀ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਖਰੀਦ ਕਰ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰੋ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਕਸਟਡੀ ਮੇਂ ਵੋ ਸਟੋਰ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। हमने उनका कस्टम मिलिंग करके जो चावल बनता है वो हमने FCI को देना होता है, पर जो चावल बना वो उन जो क्वालिटी FCI को चाहिए वो उसमें नहीं थी। ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ब्लैकलिस्ट कर ना वो सानू बिल्कुल बंद कर, भी तुसी प्राइवेट भी नहीं खरीद सकते, थोनू गवर्नमेंट भी माल नहीं देगी। हाँ जी, नहीं हमने नहीं बीजा, ये किसान बीजते हैं। ये वैरायटी ऐसी 2007 में 2007-08 में जो आई वो बहुत कम मात्रा में बीजी गई थी, वो किसी हिसाब से वो माल डिलीवर हो गया। 8-09 में उससे कुछ ज़्यादा मात्रा हुई, उस समय कुछ सेलर उसमें फंसे जो नहीं भुगता सके, पर 9-10 में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पंजाब में बीजी गई किसानों ने, गवर्नमेंट ने खरीद कर एजेंसी ने खरीद कर हमारे शहरों में स्टोर। उस समय सारे शहर डिस्टर्ब हुए, जिन जिन के लोगों के भी माल लॉस, तो जी जिस हिसाब से धान लगा था उसी हिसाब से लॉस हुए हैं जी। किसी के पास कम था उनको कम लॉस हुआ है, जिनके पास ज़्यादा मात्रा में लगा उनको ज़्यादा हुआ। पर शेलर ऐसे मान लो किसी को 1 करोड़ का हुआ, किसी को 1.5 करोड़ का हुआ, किसी को 2 का हुआ, बिल्कुल। बल्कि इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब ये सारा पंजाब में ये प्रॉब्लम आई तो पंजाब स्टेट ने सेंटर को एक लेटर लिखा भी हमारे शहरों का माल नहीं भुगता सकते, तो सेंटर ने एक ईगॉम की कमेटी बनाई 11 IAS की, जिन्होंने ये पंजाब में सारी जगह ट्रायल किया तो उन्होंने देखा भी जो इसमें चावल बन रहा है वो लगने योग नहीं है, तो उन्होंने एक प्रपोजल बनाई भी जितना भी चावल पड़ा है धान पड़ा है इसकी मिलिंग करवाओ, इसकी मिलिंग करवा के FCI इसको ओपन मार्केट में सेल कर दे, और उसमें जो लॉस आएगा उस लॉस को आधा सेंट्रल सरकार और आधा स्टेट सरकार बियर कर ले और शेलरों को मुक्त कर दे। पर उस समय पंजाब स्टेट ने ये बात नहीं मानी, इन्होंने एक नई पॉलिसी लाकर सारे शहरों को उलझा दिया। उगाने वाले किसान हैं जी, किसान से तो उन्होंने खरीद लिया तो किसानों की तो कोई लायबिलिटी नहीं बनी, वो तो निकल गए। उनके ऊपर तो कुछ नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो वहाँ बंद कर दिया। एक मिनट सर, एक खरीद एजेंसी है सरकार की, मार्कफेड है सर, मार्कफेड पन सब पन ग्रेन, बल्कि मार्कफेड ने खुद भी बल्कि इनके शेलरों में माल स्टोर, मार्कफेड जो एजेंसी है उनके अपने शेलर हैं पंजाब में, उनके अपने शेलरों में भी ये पैड़ी स्टोर हुई, पर वो भी अपना एक भी कंसाइनमेंट FCI को नहीं दे पाई, उनका भी शॉर्टेज आई, उनका भी माल रुका, 30-30% उनकी शॉर्टेज आई, पर उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो राइस मिलर थे उनको सारे ब्लैकलिस्ट कर दिए, फॉल्स FIR करवा दी क्योंकि आपका माल कम निकला है, उनको जो रेट डिफरेंस के कारण ब्लैक लिस्ट कर दिए गए, सारा पंजाब को राइस मिलों को सारे का खराब कर दिया गया। बिल्कुल, उनकी एक क्लॉज होती है हमारे जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें क्लॉज होती है भी आप आर्बिट्रेशन में जाओ, आर्बिट्रेशन में भी इन्होंने अपने ही लोग बिठाते हैं वहाँ पे, कोई अभी बिल्कुल गए, हमारे पास और कोई है नहीं था, ये सारे पंजाब की बात है, पंजाब वाले मिलर ही गए हैं जी, सारे मिलर गए। कौन सी ईयर में आपको ब्लैकलिस्ट के ऊपर कब आ गए थे? ये हमारे को 2011 में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, क्योंकि पहले तो ये कहते रहे भी ये अपना इसको अपग्रेड कर दो, ऐसे कर दो, पर हमें कुछ भी नहीं बताया गया भी कैसे अपग्रेड करना है,
कैसे इसको जो एक चावल काला बन गया उसको वाइट कैसे करना है, हमारे को कुछ नहीं बताया गया। आप गए आर्बिट्रेशन में, उसके बाद क्या हुआ? आर्बिट्रेशन में गए पर वहाँ पे हमारा कोई सुनवाई नहीं की गई। हाँ जी बिल्कुल, वो हमारे वो सेक्शन 34 में चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है, चल रहे हैं सर। किसी के हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी फैसले अगेंस्ट हुए वो हाई कोर्ट में है। अभी मतलब ये सब जूडिस मैटर अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है? हाँ अभी कोर्ट में चल रहे हैं केस। सर कौन सा चावल था ये आपका? ये परमल क्वालिटी थी, PAU 201 वैरायटी आई थी। वो देखते हैं वो लड़का भी अगर होता तो। आपके ऊपर एफआईआर हुई है, वो सेक्शन बता सकते हैं आईपीसी की कौन-कौन सी सेक्शन है जिसमें? सेक्शन तो इन्होंने गबन के शॉर्टेज के, शॉर्टेज के हैं जी, शॉर्टेज वगैरह के बनाए हैं। आईपीसी की है, कुछ है क्या, कोई एक्ट है उसके सेक्शन है क्या? डॉक्यूमेंट सारे हैं जी हमारे पास, हाँ वो मैं करवा। हाँ जी, उसमें डैमेज डिस्कलर और ब्रोकन की मात्रा जो FCI का एक नॉर्म होते हैं चावल लेने के, उससे ज्यादा थी उसमें। डैमेज की भी मतलब ज्यादा थी, डिस्कलर की भी, ब्रोकन की भी, तीनों, इसलिए वो चावल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया गया। पंजाब में 4000 के लगभग मिले हैं टोटल। एसोसिएशन है, उसमें भी आपका मुद्दा है? उन्होंने भी कुछ उनके ज्यादा कोई नहीं मिला जी हमें। सैनी जमारे हमारे प्रधान है जी, उनकी निगाह में सारा मसला है, पर वो सारे सरकार के हिसाब से वो करते हैं। 400 के लगभग पंजाब के मिले हैं जी।